वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम इंजन में प्रयोग किए जाने वाले जो लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं उन लुब्रिकेशन सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि एक इंजन में जो लुब्रिकेशन सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं उन लुब्रिकेशन सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखते हैं, पहला ऑयल फिल्टर, सेकेंड प्रेशर रिलीफ वाल्व, थर्ड ऑयल पंप, फोर्थ ऑयल कूलर, फिफ्थ प्रेशर केज। तो इस तरह से कुछ कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम में। तो इन लुब्रिकेशन सिस्टम के में ऑयल फिल्टर और प्रेशर रिलीफ वाल्व के संबंध में आप समझते हैं। तो जैसे आप जानते हैं, देखते हैं कि ऑयल फिल्टर के बारे में, जैसे आप जानते हैं कि एक इंजन के अंदर जब लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्कुलेशन करता है और सर्कुलेशन के दौरान इंजन के अंदर जो मूवेबल कंपोनेंट्स होते हैं उन मूवेबल कंपोनेंट्स में एक दूसरे से रगड़कर चलते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन बढ़ता है और एक दूसरे से रगड़ने के कारण उन घर्षण के कारण धातु के कुछ कण और कार्बन और जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है उस ब्रीदिंग सिस्टम के साथ धूल मिट्टी के कण इत्यादि लुब्रिकेटिंग ऑयल में मिल जाते हैं और मिलने के कारण और वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जब इंजन के मूवेबल कंपोनेंट्स के बीच में सर्कुलेशन करता है तो सर्कुलेशन के कारण इंजन पर दुष्प्रभाव डालते हैं और दुष्प्रभाव के जो दौरान होता है इंजन में जो मशीनिस्ट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे बेरिंग्स, बूश, पिस्टन्स, सिलेंडर्स, इस दौरान जो होता है कि इत्यादि पर बियर तथा टियर बढ़ जाएगी। अतः लुब्रिकेटिंग ऑयल से धूल कणों को और कार्बन मिट्टी के कणों को इत्यादि को हटाने के उद्देश्य से इंजन के लुब्रिकेटिंग सिस्टम में एक एलिमेंट प्रयोग होता है जिसे हम फिल्टर कहते हैं। तो इस फिल्टर का जो उपयोग होता है ये धूल मिट्टी के कण और मेटल्स के बारीक कणों को और ब्रीडिंग सिस्टम के साथ आई हुई धूल मिट्टी के कणों को फिल्टर करने के लिए एक एलिमेंट प्रयोग करते हैं जिसे हम ऑयल फिल्टर कहते हैं। तो ये जो ऑयल फिल्टर्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑयल फिल्टर। पहला फिल्टर का प्रकार होता है रिप्लेसेबल ऑयल फिल्टर। रिप्लेसेबल ऑयल फिल्टर वह फिल्टर होता है जिस फिल्टर को एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इंजन में प्रयोग नहीं करते हैं और इस प्रकार के फिल्टर को हम रिप्लेसेबल ऑयल फिल्टर्स कहते हैं। इस तरह के फिल्टर एलिमेंट जो होते हैं का पेपर के बने होते हैं और कॉटन वेस्ट के बने होते हैं, फेल्ट पेपर के बने होते हैं और जो निश्चित अवधि के बाद इन फिल्टर एलिमेंट को बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार के फिल्टर को कहते हैं रिप्लेसेबल ऑयल फिल्टर। जैसे रिप्लेसेबल फिल्टर का जो प्रयोग होता है फोर व्हीलर्स में इस फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, जब कुछ अवधि के बाद ये फिल्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं या समय अवधि के बाद इन फिल्टरों को बदल दिया जाता है और नया फिल्टर प्रयोग करते हैं तो उस फिल्टर को बोलते हैं रिप्लेसेबल फिल्टर। इसी प्रकार से फिल्टर का जो दूसरा प्रकार होता है ये होता है क्लीनेबल
ऑयल, फिल्टर, क्लीनेबल ऑयल फिल्टर वह फिल्टर होता है जिसमें उस फिल्टर एलिमेंट को एक बार क्लीन करके दोबारा उसी फिल्टर एलिमेंट का हम प्रयोग करते हैं, या इस तरह से समझ सकते हैं कि इस फिल्टर को एक बार क्लीन करके दोबारा इसका उपयोग करते हैं, उस प्रकार के फिल्टर को कहा जाता है क्लीनेबल ऑयल फिल्टर। और एक क्लीनेबल जो ऑयल फिल्टर होते हैं इसके और भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे जानते हैं पहला क्लॉथ टाइप ऑयल फिल्टर। क्लॉथ टाइप ऑयल फिल्टर यह एक क्लीनेबल ऑयल फिल्टर का ही एक प्रकार होता है। और ये जो फिल्टर होता है इसमें एक अच्छी किस्म का एक मर्सराइज्ड कपड़े का प्रयोग किया जाता है जिसमें ज्यादा कट ना हो, फिल्टर एलिमेंट के ऊपर आगे से बना दिया जाता है। निश्चित अवधि के बाद यह कपड़ा जो होता है उतार दिया जाता है और दूसरा नया कपड़ा इस पर लपेट दिया जाता है। इस प्रकार के कपड़े को कहा जाता है क्लॉथ टाइप ऑयल फिल्टर और ये क्लीनेबल फिल्टर होता है। दूसरा फिल्टर का एक प्रकार होता है जिसे हम वायर गेज टाइप ऑयल फिल्टर कहते हैं, वायर गेज टाइप ऑयल फिल्टर। तीसरा इसका प्रकार होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑयल फिल्टर। और चौथा प्रकार एज टाइप ऑयल फिल्टर। तो इस प्रकार से जो क्लीनेबल ऑयल फिल्टर होते हैं चार प्रकार के होते हैं, क्लॉथ टाइप ऑयल फिल्टर, वायर गेज टाइप ऑयल फिल्टर, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑयल फिल्टर और एज टाइप ऑयल फिल्टर। तो इस प्रकार के फिल्टर जो क्लीनेबल ऑयल फिल्टर होते हैं, तो जैसे जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फ्यूल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल रूप से फिल्टर एलिमेंट में प्रवेश करता है और बाहर से अंदर की ओर फ्यूल फ्लो होता है, इसलिए इस फिल्टर को सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑयल फिल्टर कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के ऑयल फिल्टर्स होते हैं। और इसके अलावा इन फिल्टरों को इंजन के अंदर लुब्रिकेशन करने के लिए सिस्टम्स प्रयोग किए जाते हैं। और ये लुब्रिकेशन दो प्रकार के सिस्टमों के से इंजन के अंदर लुब्रिकेशन किया जाता है। तो जैसे जानते हैं चित्र में आप देख रहे हैं लुब्रिकेशन सिस्टम के प्रकार, पहला ऑयल फिल्टर सिस्टम। ऑयल फिल्टर सिस्टम ये दो प्रकार के होते हैं और इंजन के अंदर दो तरीके से ऑयल को फिल्टर करने के दो सिस्टम्स हैं। तो इसका पहला प्रकार होता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये इसका जो पहला प्रकार है फुल फ्लो फिल्टर सिस्टम। फुल फ्लो फिल्टर सिस्टम को कहा जाता है हिंदी में पूर्ण प्रवाह फिल्टर प्रणाली। पूर्ण प्रवाह फिल्टर प्रणाली, इस सिस्टम में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो इंजन के अंदर फिल्टर पूर्ण रूप से फिल्टर में प्रवेश या फ्लो होने के बाद इंजन में लुब्रिकेशन के लिए सप्लाई होता है। जैसे आप जानते हैं कि सिस्टम में एक ऑयल पंप प्रयोग किया गया है और इसे प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व
और ये पार्ट्स कहलाता है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक फुल फ्लो फिल्टर सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग किया गया, ऑयल पंप का प्रयोग किया गया, ऑयल फिल्टर का प्रयोग किया गया, और इसी ऑयल फिल्टर में एक बाईपास वाल्व प्रयोग किया गया है। बाईपास वाल्व या बाईपास वाल्व जो होता है ऑयल फिल्टर में लगा हुआ होता है। तो ये सिस्टम जो कार्य करता है, जब सम्प में भरा हुआ लुब्रिकेटिंग ऑयल को एक ऑयल पंप के द्वारा सक किया जाता है और प्रेशर के साथ सीधे ऑयल फिल्टर में सप्लाई किया जाता है, और इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल एक फिल्टर एलिमेंट में पूर्ण रूप से फिल्टर होकर आगे इंजन में सप्लाई होता है, और सप्लाई होने के बाद यह सिस्टम इंजन में लुब्रिकेशन होता है। मतलब इस सिस्टम में हम ये समझ रहे हैं कि जब इंजन के अंदर जब लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए फ्लो होता है, तो वह लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है पूर्ण रूप से फिल्टर होकर इंजन में फ्लो होता है। तो इस प्रकार से ये जो ऑयल फिल्टर सिस्टम होता है, एक ऑयल फिल्टर सिस्टम का एक प्रकार होता है फुल फ्लो फिल्टर सिस्टम, जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल पूर्ण रूप से फिल्टर होकर इंजन में लुब्रिकेशन के लिए फ्लो होता है, इसलिए सिस्टम को कहा गया है फुल फ्लो फिल्टर सिस्टम। और इसी प्रकार से एक दूसरा प्रकार होता है ऑयल फिल्टर सिस्टम का, जिसे हम बोलते हैं बाईपास फिल्टर सिस्टम। बाईपास फिल्टर सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है उपमार्ग तेल फिल्टर प्रणाली। बाईपास फिल्टर सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है उपमार्ग तेल फिल्टर प्रणाली। तो बाईपास फिल्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें भी एक ऑयल पंप का प्रयोग किया गया है, ऑयल पंप का, और मेन गेवड़ी से इस सिस्टम में एक प्रेशर गेज लगा हुआ होता है, और फिल्टर एलिमेंट इस सिस्टम में भी एक बाईपास वाल्व लगा होता है। ये सिस्टम में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, और जब ऑयल पंप सम्प से ऑयल को सक करता है और प्रेशर के साथ मेन ऑयल गेडी को सप्लाई करता है, तो ये डायरेक्ट सीधे ऑयल इंजन में प्रवेश करता है, और इंजन में प्रवेश करने के बाद पुनः वापस आकर यह फिल्टर में सप्लाई होता है, और फिल्टर में सप्लाई होने के बाद यहां से फिल्टर लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्टर होकर पुनः वापस सम्प में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से इस सिस्टम में जो होता है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो सीधे डायरेक्ट मेन गैलरी से इंजन में लुब्रिकेशन के लिए फ्लो होता है, और इसमें जो फिल्टर एलिमेंट लगा होता है, जो फिल्टर लगा होता है, ये फिल्टर का काम जो होता है कि इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल का सर्कुलेशन होने के बाद वापस फिल्टर में जाकर फिल्टर से फिल्टर होकर वह वापस सम्प में आता है। मतलब इस सिस्टम में जो है कि सम्प में रखा हुआ जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो ऑलरेडी पहले से ही फिल्टर किया हुआ ऑयल होता है। इस सिस्टम में डायरेक्ट फिल्टर किया हुआ सम्प से इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्लो होता है, और इसमें एक जो प्रेशर गेज दिया गया है, इस प्रेशर गेज का काम होता है कि इंजन के अंदर किस प्रेशर के साथ में लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्लो हो रहा है उस गेज के माध्यम से बताया जाता है या इस गेज पर देखा जाता है। और उसी प्रकार से ये फिल्टर एलिमेंट में या फिल्टर में एक बाईपास जो वाल्व दिया होता है, इस बाईपास वाल्व का काम ये होता है कि इंजन के अंदर
जब बार बार सर्कुलेशन के कारण फिल्टर एलिमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं और ब्लॉक हो जाने के बाद में जब इसका लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो फ्लो है वो हर समय चलते हुए रहना चाहिए और फ्लो होते रहना चाहिए, तो जब फिल्टर एलिमेंट ब्लॉक हो जाते हैं तो ऑयल का प्रेशर तो बना हुआ रहता है, तो उस ऑयल के प्रेशर से ये बाईपास वाल्व ओपन होता है और बाईपास वाल्व ओपन के बाद ये फिल्टर एलिमेंट से फिर ऑयल फ्लो ना होते हुए ये बाईपास से ऑयल फ्लो होता है और वापस सम्प में ये आ जाता है। मतलब इस सिस्टम में बाईपास वाल्व देने का उद्देश्य ये होता है कि जो इंजन के अंदर जो लुब्रिकेशन होना चाहिए वो लुब्रिकेशन रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि इंजन पर यदि ये सिस्टम बंद हो जाए और लुब्रिकेशन फ्लो होना बंद हो जाए तो इंजन पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए ये बाईपास वाल्व यहाँ पर दिया होता है, क्योंकि बार बार या बहुत दिनों तक चलने के बाद क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ समय बाद या कुछ समय अवधि के बाद ये ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो ब्लॉक होने के दौरान जो फ्लो होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का वो कम हो जाता है और कम होने के कारण इंजन के अंदर लुब्रिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए उस समस्या से बचने के लिए फिल्टर में एक बाईपास वाल्व प्रोवाइड किया जाता है जो लुब्रिकेशन के फ्लो को चलाते रहता है। उसी प्रकार से एक फुल फ्लो फिल्टर सिस्टम में भी एक बाईपास वाल्व दिया होता है। यहाँ पर भी इसका जो काम होता है कि एलिमेंट ब्लॉक होने के बाद ये ऑयल के प्रेशर से ओपन हो और इंजन के अंदर एक निश्चित प्रेशर से ऑयल का फ्लो चलते रहे, जिसके कारण इंजन में किसी प्रकार का लुब्रिकेशन में समस्या उत्पन्न न हो। तो इस प्रकार से दो प्रकार के सिस्टम हम इंजन के अंदर करते हैं और ये ऑयल फिल्टर सिस्टम के ऑयल को फिल्टर करने वाले दो सिस्टम्स होते हैं, फुल फ्लो फिल्टर सिस्टम और बाईपास फिल्टर सिस्टम। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि इंजन में और एक कंपोनेंट प्रयोग किया जाता है लुब्रिकेशन करने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व को हिंदी में कहा जाता है दाब विमोचन वाल्व। दाब विमोचन वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व को हिंदी में कहा जाता है दाब विमोचन वाल्व। और ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है इसका जो कार्य होता है इंजन के अंदर, ये तेल के अधिकतम दाब को सीमित करने के लिए विमोचन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। जब तेल निर्धारित सीमा से बढ़ता है तो विमोचन वाल्व खुलता है और इस दौरान तेल को वापस संप में जाने देता है। जैसे आप समझ रहे हैं कि एक ऑयल फिल्टर सिस्टम में ये एक प्रेशर रिलीफ वाल्व प्रयोग किया गया है, इस सिस्टम में भी एक प्रेशर रिलीफ वाल्व काम किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक इंजन में लुब्रिकेशन के लिए जो लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो प्रेशर है वो एक निश्चित दाब पर इंजन में फ्लो होना चाहिए, और यदि वो निश्चित दाब पर फ्लो ना हो तो इंजन में लुब्रिकेशन कम होता है और इंजन के पार्ट्स पर इफेक्ट पड़ता है, और यदि लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर अधिक होगा तो वो भी समस्या उत्पन्न करता है। तो इस दौरान इसकी मेन गैलरी से कनेक्ट एक प्रेशर रिलीफ वाल्व प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस प्रेशर रिलीफ वाल्व काम होता है कि जब ऑयल पंप के द्वारा एक निश्चित प्रेशर पर फ्लो होना चाहिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का, लेकिन अचानक सडनली क्या होता है कि ऑयल पंप के द्वारा एक निश्चित दाब से लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस बढ़े हुए प्रेशर के दाब को रिलीज करने के लिए, सीमित करने के लिए एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है। और जैसे ही यहाँ पे ऑयल का प्रेशर बढ़ता है तो लुब्रिकेटिंग ऑयल इस तरह से आगे फ्लो होता है और ये बाल टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है और स्प्रिंग टेंशन के विरुद्ध ये प्रेशर से खुलता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ से वापस संप में आ जाता है और ऑयल के प्रेशर को सीमित कर देता है।
तो इस प्रकार से प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है, इसका काम जो होता है कि इंजन में अचानक ऑयल के प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको सीमित करने के लिए हम प्रेशर रिलीफ वाल्व का उपयोग करते हैं। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये दो प्रकार के प्रेशर रिलीफ वाल्व होते हैं। पहला होता है बाल टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व। बाल टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये बाल टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व है जिसमें एक बाल टाइप वाल्व का प्रयोग किया गया है और ये बाल टाइप एक स्प्रिंग लोडेड वाल्व होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जब ऑयल पंप से इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्लो होता है एक निश्चित प्रेशर से, तो और ये जो फ्लो है ये अचानक कभी सडनली इसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये ऑयल के प्रेशर इस बाल वाल्व पर प्रेशर देता है जिससे वाल्व स्प्रिंग टेंशन के विरुद्ध ओपन होता है, खुलता है और जो ऑयल होता है वो ऑयल का प्रेशर इस गैलरी से वापस सम्प में आ जाता है। और इस प्रकार से एक बाल टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व कार्य करता है। इसमें बाल टाइप वाल्व का प्रयोग किया गया है इसलिए इसे कहा गया है बाल टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व। और जैसे ही ऑयल का प्रेशर कम होता है तो स्प्रिंग इस वाल्व को सामने प्रेस कर देता है और ये वाल्व बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तो प्रेशर रिलीफ वाल्व कार्य करता है। उसी प्रकार से प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो दूसरा प्रकार होता है वो प्लंजर टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्लंजर टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये बाल टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व के समान ही कार्य करता है, मगर अंतर इसमें इस वाल्व में ये होता है कि इसमें बाल वाल्व के स्थान पर हम एक प्लंजर का उपयोग करते हैं। तो इस आधार पर इस वाल्व का जो नाम है प्लंजर टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व है। ये वाल्व भी बाल टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व के समान ही कार्य करता है कि जब निश्चित दाब से ऑयल ये इंजन के मेन गैलरी से इंजन में सप्लाई होता है और अचानक जब ऑयल का प्रेशर बढ़ जाता है तो ऑयल का प्रेशर इस प्लंजर पर प्रेशर देता है और स्प्रिंग टेंशन के विरुद्ध ये प्लंजर ओपन होता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर इस स्थान से रिलीज होकर वापस संप में आ जाता है। और जैसे ही प्रेशर ऑयल का प्रेशर कम होता है तो स्प्रिंग इस प्लंजर को प्रेस करता है और ये वाल्व बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वाल्व भी ऑयल के प्रेशर को रिलीज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के प्रेशर रिलीफ वाल्व।